जय श्री राम। आज का विषय है कि ब्रह्म मुहूर्त में राम नाम जाप करने से क्या फायदे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में राम नाम का जाप कब करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए और उससे हमें क्या फायदे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ऐसी क्या खासियत है जिससे कि हम थोड़ा राम नाम का जाप करते हैं उसका कई गुना हमें उसका फल प्राप्त होता है। बहुत से सिद्ध साधक जो कि निरंतर राम नाम का जाप करते हैं और पूरी तल्लीनता से राम नाम का स्मरण करते हैं और उनके लिए वो तन मन धन से अपने आप को लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने जो अपने जीवन में अपने साधना काल में जो अनुभव किया है वह अनुभव हमने उनके समागम से उनके सत्संग से और गुरु कृपा से जो हमने उनसे प्राप्त किया है आज हम आपको उसे बताएंगे और आप इसे अपने जीवन में उतार कर आप भी ब्रह्म मुहूर्त में अगर जाप करते हैं तो आप दिन में कई घंटे जाप करने का फल मात्र थोड़े से ही समय में ब्रह्म मुहूर्त में आप प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:14 से लेकर 5:14 तक माना जाता है और बहुत से विद्वानों का कहना है कि 3 बजे से लेकर जब तक सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर नहीं पड़ती है तब तक ब्रह्म मुहूर्त चलता है। इस समय 100% में से 10% साधक ऐसे होते हैं और जो व्यक्ति ऐसे होते हैं वो इस समय का लाभ उठा पाते हैं और जो 10% लोग होते हैं वही अपने जीवन में अपने मन चाहे मुकाम को हासिल कर पाते हैं, नहीं तो 90% लोग ब्रह्म मुहूर्त के समय को ऐसे ही गंवा देते हैं और उसे वह अपने जीवन को पढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त होता है जब हमारे उस समय नींद खुलती है तो हमारे ऊपर नींद का बहुत बड़ा आवेश रहता है और वह हमें बार बार सोने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन साधक लगातार उस समय को अपना दिनचर्या में डाल लेता है तो उसे फिर उस समय जागने में कोई परेशानी नहीं होती है और यह मन भी नहीं चाहता है कि उस समय आप राम नाम का जाप करें, क्योंकि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में राम नाम का जाप करते हैं तो आपका जो चित्त है वो पूर्णतः राम नाम में तल्लीन हो जाएगा और आपको राम नाम के जाप का जो सारभूत है वो आपकी समझ में आएगा। ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारे जो शरीर है वो एकदम शांत रहता है, मन भी शांत रहता है और हमारे अंदर जितनी भी दूसरे दिन की बुरी बातें भरी हुई और जो टेंशन भरी हुई है वो इस समय बिल्कुल नहीं होती और हमारा मन एकदम एकाग्रचित होता है। अगर इस समय हम नहा धोकर या फिर बिना नहाए धोए ही अगर कुल्ला इत्यादि क्रिया कर अगर आप आचमन कर भी आप राम नाम का जाप इस समय करते हैं तो आपको जो आप पूरे दिन में 2.5 घंटे जाप करेंगे उसका फल आपको मात्र 1/2 घंटे में मिल जाएगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो हमें राम नाम की ऊर्जा होती है वो हमें कई गुना प्राप्त होती है। और ध्यान करने का मतलब क्या होता है? राम नाम जाप करने का मतलब यह होता है कि मन को एकाग्रित किया जाए, लेकिन जब हम दिन में राम नाम का जाप करते हैं तो हमारा मन एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, यह कभी किसी किसी के बारे में सोचता है कभी कहीं ना कहीं यह भटकता रहता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा नहीं होता है। आप दिन में बेशक अपनी नींद को बढ़ा लीजिए, रात्रि में आप जल्दी सो जाइए, लेकिन 4:14 से लेकर 5:14 तक आप कैसे भी करके अगर आप साधक हैं तो इस समय को आप ना गमाइए, क्योंकि यही समय आपकी साधना को चरम सीमा में ले जाने का कार्य करेगा और कुछ ही समय में इस समय का आपने जो राम नाम का जाप किया है उसका प्रभाव आप अपने जीवन में बहुत जल्दी और शीघ्र ही देखेंगे। यह हमारे अनुभव की बात है, हमने जितना भी राम नाम का जाप किया है वह इस समय जितना भी जाप किया है उसका फल बहुत जल्दी ही हमें प्राप्त हुआ है और मन का शांत होना और मन में जो बुरी वासनाएं भरी होती हैं वो नष्ट होती जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जितने भी देव होते हैं वो पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और जो आपके इष्ट देव होते हैं वो भी इसी समय की प्रतीक्षा करते हैं कि क्या मेरा साधक सबसे हटकर कर रहा है, क्या मेरा भक्त औरों से अलग कर रहा है। जब आप औरों से अलग करने लग जाते हैं तो
आपकी जगह भगवान श्री राम के यहां भी औरों से अलग हो जाती है। और अगर आप जो आम इंसान कर रहे हैं, जो दुराचारी लोग हैं, वो साधक नहीं है और वो उस कार्य को करें, उसी समय आप भी उस कार्य को करते हैं, तो उसका आपको क्या प्रभाव प्रणाम मिलेगा? वह आपके आपका उसका कुछ अलग उसमें डिफरेंस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त का इस्तेमाल करते हैं तो आपको राम नाम जाप की जो शक्तियां हैं वो आपको बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाती हैं और आपके अंदर जो राम नाम की गुप्त अनुभव हैं वो बहुत जल्दी ही शीघ्र प्रकाशित होने लग जाते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में हमारी जो भी मनोकामना होती है, अगर हम राम नाम का जाप करते समय मन ही मन भगवान श्री राम से आर्तवार से उस मनोकामना को पूरी करने की हम अगर प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना हमारी बहुत जल्दी ही स्वीकार हो जाती है और भगवान श्री राम हम पर बहुत जल्दी ही कृपा कर देते हैं और हमारे अंदर आत्मशक्ति बढ़ती है, हमारे अंदर विचार शक्ति बढ़ती है, हमारा विवेक जागृत होता है। क्योंकि जब हम शांत चित्त से भगवान श्री राम का नाम का जाप करते हैं तो हमारे अंदर सहज ज्ञान प्रकाशित हो जाता है और ज्ञान रूप से जो हमारे आंखों के सामने माया का अंधकार पड़ा हुआ है वह नष्ट हो जाता है। जब तक सूर्य की किरण पृथ्वी पर नहीं आती है तब तक पृथ्वी पर उजियारा नहीं होता है। उसी प्रकार जब तक जीव के अंदर ज्ञान रूप प्रकाश जागृत नहीं होता है, जब तक वह श्री राम जी के दर्शन और उनकी लीला में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो जितना हो सके आप राम नाम का जाप ब्रह्म मुहूर्त में करने की कोशिश करें और आप ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त का इस्तेमाल करें, जितना हो सके उतना करें और आपको जो आपके जीवन में प्रभाव हो और उसका जो आपको परिणाम मिले उसे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपकी जो भी समस्याएं हैं साधना से रिलेटेड वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि हम उनकी एक छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपकी समस्याओं का हम समाधान कर सकें। वैसे भी हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी हमारी कमेंट आती हैं हम उनका रिप्लाई देते हैं। अगर हमें लगता है कि इस विषय पर एक वीडियो बनानी चाहिए तो इस विषय पर हम अलग से एक वीडियो बना देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, शेष चर्चा बाद में। जय श्री राम।